जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक आर के विश्वा। तो ये जो सामने फ़ोन है वो आसूस का जेनफोन लाइव L1 है और इसमें प्रॉब्लम है लाइट का। फ़ोन ऑन था और यहाँ पे जो आईसी था वो जला हुआ था। तो इसमें जो आईसी लगा हुआ है वो क्वालकॉम का PMI 8940 लगा हुआ है और इसमें लाइट का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर हम आईसी लगाएंगे और ये आईसी पहले से रिमूव किया गया था क्योंकि ये जल के बिल्कुल बेकार हो चुका था। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो इसमें हम लगाएंगे 8940 PMI और देखते हैं लाइट आता है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंट है हमारा बॉल है उसको हम पहले थोड़ा सा साफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर गंदगी है बहुत ज़्यादा। तो इसको पहले साफ कर लेना है। हमारा ये साफ हो गया है क्लीन। इसको थोड़ा साफ कर लेना है क्योंकि जब तक साफ नहीं होगा ये प्रिंट अच्छी तरीके से दिखेगा नहीं। तो किसी ने इसको निकाला था बाहर और निकाल के सीधा मेरे पास भिजवाया गया है ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकूं। तो देखिए इस तरीके से हमारा प्रिंट साफ हो गया है नीचे का और हमारे पास आईसी है 8940, ये रखा हुआ है देखिए। तो इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा, मुझे इसी तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे इसको हमें रिवॉल्व करना है। अब इसे हम रिवॉल्व करेंगे और ये भी देखिए किस तरीके से रिवॉल्व किया जाता है, वो भी आप सीख जाइएगा। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है रिवॉल्व करना। ये रहा क्वालकॉम आईसी का रिवॉल्विंग प्लेट। इसे इस तरीके से लगा देना है। पावर सेक्शन का जो भी काम होता है वो आप मुझे नीचे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इसे ऐसे लगा देना है और इस पर एक टेप आता है, इसमें एक चौड़ा टेप भी आता है जो आपको प्रॉपर चिपक जाएगा और एक पतला सा आता है, तो मेरे पास चौड़ा वाला नहीं है।
ये हमारा देखिए इस तरीके से बैठा देना है इसको, ठीक है। तो ये काम हो गया और एक काम रह गया, इसमें PPD जो पेस्ट आता है उसको लगाना है। ये हमारा PPD पेस्ट है, तो इसे इस तरीके से भर लेना है अंदर और अब इसको रिवॉल्व करना है। तो प्रॉपर बीच में नहीं दीजिएगा हॉटगन को, किनारे में रखिएगा थोड़ा सा। तो ये हमारा हो गया बिल्कुल फ्रेश, देखिए, ठीक है। प्रॉपर बीच में अगर हॉटगन दीजिएगा तो बेकार हो जाएगा, तो प्रॉपर बीच में नहीं देना है, बिल्कुल फ्रेश हो गया। इसको ऊपर से साफ कर लीजिए थोड़ा और इधर से निकाल लीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो इसको हमें बाहर निकाल के हल्का सा पेट्रोल मार देना है या जो भी आपके पास थिनर वगैरह होगा उससे साफ कर लेना है थोड़ा सा। चलिए इसको हमने साफ कर लिया है, अब इसको हमें लगाना है। तो ये हमारा बोर्ड रहा और ये हमारा BMI 8940 IC रहा, इसको यहाँ रख देना है। ऐसी लगाते समय कोई जल्दीबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से लगाइए। ये हमारा अच्छी तरीके से अभी नहीं लगा है, पर इसको लगाना है अच्छी तरीके से। बिना पेस्ट के पहले आराम से रख लीजिए और उसके बाद हल्का सा कॉर्ड दीजिए ताकि वो हल्का सा एक भी या दो भी बॉल पकड़ ले, उसके बाद पेस्ट दीजिए। क्योंकि पहले पेस्ट देने से होता ये है कि IC इधर उधर घूमने लगता है, तो आपको पकड़ने की ज़रूरत पड़ेगा। तो आसानी से आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, आपको कोई झंझट नहीं होगा और प्रॉपर वर्क भी कर जाएगा। अब हम इसे गोल गोल घुमाएंगे। तो अब ये हमारा प्रॉपर अपनी जगह पे लग गया है। हमारा काम हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गया है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसको चेक करेंगे। अब इसको चेक करते हैं, पहले चेक करने से पहले हमें सॉर्टिंग चेक कर लेना है, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं हुआ।
तो ये सारा चीज मायने रखता है, तो चेक कर लीजिए पहले लगाने के बाद। तो हमारा शॉर्टिंग नहीं है, ठीक ठाक है सब। अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमारा बैटरी रहा, और इसे ऑन करना है यहाँ से, क्योंकि इसका जो पावर की का जो ट्रैक है वो कटा हुआ है। तो हमारा प्रॉब्लम सही हो चुका है यहाँ पे, ये देख रहे होंगे आप। और इधर वीडियो हम इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहे हैं कि कोई अच्छा सा कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा हफ्ते के बाद लग रहा है वीडियो, और कोई वैसा प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है ताकि हम आपको बताएं और शेयर करें। तो साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रेगुलर वीडियो बनाएं, तो थोड़ा सा हम आपके लिए कुछ बिहार का ब्लॉग्स भी बनाने के लिए सोच रहे हैं, उसको कुछ जगह पे एक्सप्लोर करने के लिए भी सोच रहे हैं। तो आपका साथ मिलेगा तब हम ज़रूर आपको बिहार का जो हर चीज़ है वो एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। चार्जिंग भी हमारा ओके है, हमने इसमें चार्जिंग केबल लगा रखा है। तो काफ़ी लेट होगा इसको खुलने में मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको फ्लैश किया गया था पहले। होंगे हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके हो चुका है, और टच भी अच्छा से वर्क कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए तो हमारा काम हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।